डीपीपी नंबर A8। क्वेश्चन नंबर 895। और बाकी लोग भी बताओ जो चैट बॉक्स में आता है यहाँ पे, या तो बाकी लोगों से हो गया है या चार पांच लोगों का ही मैसेज आता है ज्यादातर। बाकी लोग जितने भी लोग कनेक्टेड हो, जो भी डाउट हो, ऐसा नहीं कि दूसरे पूछेंगे तो मेरा भी हो जाएगा डाउट। तुमने अगर किया है सॉल्व, नहीं सॉल्व हुआ है उसको पूछना है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि अगर नहीं सॉल्व किए तो सिर्फ क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख के अच्छा क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 का A चेक कर लेते हैं उसको। और आंसर नहीं तुम्हारे पास बेबाब, आंसर मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है, सब लोगों के पास होगा। तो आंसर नहीं भी, जिसमें तुम्हें थोड़ा भी डाउट लगता है तो पूछ सकते हो यहाँ पे है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बाकी और भी कोई डॉटर्स बताओ, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर की बने CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, देन रिंग बनाया हुआ यहाँ पे और देन CH3 एक आ रहा है यहाँ पे। एक और स्ट्रक्चर है CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप का ऑप्शन है इसमें यहाँ पे। विच इज आर इनकरेक्ट अबाउट गिवन स्ट्रक्चर, इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे है? यहाँ पे देखने की ये ऑप्शन में है कि बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या रहा है एसिड एंड हाइड्राइड, और इसमें भी क्या रहा है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप एसिड एंड हाइड्राइड। तो फंक्शनल आइसोमर्स कब होता था जब उसका फंक्शनल ग्रुप डिफर करे। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही आ गया, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो वहां पे, देन फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकता, दैट मींस ये आंसर में आ जाता तो बोला जा रहा कि इनकरेक्ट। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 2, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या रहता है बताओ चेक करके सब लोग। ये क्या आता है यहाँ पे 3, ये क्या आता है यहाँ पे 3, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो DU3 आ जाता है जो कि वो भी रॉन्ग है। सी बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे CH3 किधर है, एक एक्स्ट्रा CH3 और CH3 किधर लाया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा हो तुम कर सकते हो वहाँ पे। कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन को काउंट करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे। डी बोथ आर मेटामर्स टू इच अदर, बिल्कुल ये क्या हुआ एक दूसरे का मेटामर्स है। मेटामर्स कैसे चेक करते थे, इस ऑक्सीजन के अलॉन्ग मैंने बताया था कि मेटामर्स के लिए पोली वैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के अलॉन्ग कार्बन चेन डिफर करे। इस ऑक्सीजन के अलॉन्ग इधर दो ही कार्बन का चेन है यहाँ पे, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन एटम का चेन आ रहा है यहाँ पे। तो
ऑक्सीजन एटम के अलोंग या नाइट्रोजन सल्फर के अलोंग कार्बन चेन डिफर करे, देन मेटामर्स, ये दूसरे का क्या जाता है, मेटामर्स। आंसर क्या जाता, बोला जा रहा है इनकरेक्ट, दैट मीन्स ए एंड बी, क्योंकि सी एंड डी तो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 7 के ए में विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टेल्स अबाउट हाइड्रोजन डिफिशियंसी फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और रिंग। सही स्टेटमेंट है ये, वो पढ़े थे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या उसका दूसरा नेम क्या था, डीयू को और क्या बोलते थे हम लोग, तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। ये बिल्कुल, तो क्या था, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, जो डीयू जो मेजर करता है वो क्या बताता है वहां पे, कि किसी कंपाउंड्स में कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ चुका है। तो टेल्स अबाउट हाइड्रोजन डिफिशियंसी फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल, अल्केन के रेस्पेक्ट में किसी अल्किन या अल्काइन में जो भी अनसेचुरेट कंपाउंड है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया, तो इंडिकेट करता है। तो फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और रिंग, वो सही स्टेटमेंट है वहां पे कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी को ही इंडिकेट करता है डीयू। उसका नेम अगर सेकेंड नेम पता होता तो डीयू को क्या बोलते हैं, HDI, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। इसका एक नेम और भी होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये भी याद रखना है तुम लोगों को, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBU, सॉरी DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तीनों सेम, DU बोलो, HDI बोलो या फिर DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। 7 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल प्रोड्यूस व्हेन 3-मिथाइल पेंटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे काफी आसान सा क्वेश्चन था, 3-मिथाइल पेंटेन, पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये 3-मिथाइल पेंटेन आ गया, इसमें क्या करना है, क्लोरीनेशन, मैंने बताया था कि HNH, HNU या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है यहाँ पे। जब बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, बस वो चेक करना है, चेक करके बताओ इसमें क्या आ रहा है। और ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री तुम्हारा कार्बन, अब देखना कि ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री से, ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री से, दैट मीन्स ये 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का होगा और ये 1 डिफरेंट टाइप का, ये 1 डिग्री और लेफ्ट साइड का जो 1 डिग्री है ये सेम टाइप का रहेगा तुम्हारा, क्योंकि ये दोनों 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। या सिमेट्रिसिटी से भी चेक कर सकते थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ये 1 डिग्री तो ये भी 1 डिग्री, दैट मीन्स सेम ही टाइप का रहेगा, 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, सिमेट्रिकल भी आ रहा है, डिग्री वाइज भी सेम है, कनेक्टिविटी भी इसका सेम रहेगा, यहाँ पे ये दोनों 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स एक ही आ गया, एक ये डिफरेंट टाइप का, और डिग्री अगर डिफर कर रहा था तो डिफरेंट होगा ही, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी आ रहा है, और ये 3 डिग्री का जो एक हाइड्रोजन होगा ये डिफरेंट टाइप का ही है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या मिल पा रहा है, 4, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी क्या मिल जाता है इसमें, 4। इस तरीके से सोचना, एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही तुम्हारा पेपर में, इंटीजर टाइप में आ सकता है या फिर ऑप्शन दिया जा सकता है वहां पे, वो तुम्हें सोचना होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन रहेगा, जहां कहीं लास्ट ऑप्शन ये है कि जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो वो दोनों सेम है या नहीं है, तो आप पे क्लोरीन को अटैच करके देख लो, और क्लोरीन को अगर अटैच करने वो नेम सेम आ रहा है, दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप का आ रहा है, नेम डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल पाएगा वहां पे फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द गिवन ओजोनोलिसिस रिएक्शन विल बी, डिफरेंट प्रोडक्ट कितना मिलेगा यहाँ पे, देखो तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ है, बाकी बहुत आसान सा वो क्वेश्चन है वहां पर, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन
इंस्टा का कुछ दे रखा है यहाँ पे। हाँ इसमें करना क्या था, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें हर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है वहां पे। इसी टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें क्या करो, इतना भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, इस डबल बॉन्ड को भी ब्रेक। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके करते क्या है, ओजोनोलिसिस प्रोसेस में O3 और ZnH2 है, तो कौन सा ओजोनोलिसिस है ये चेक करके बताओ। रिडक्टिव, रिडक्टिव, सिंपल सा, जहां पे भी Zn आ गया रिडक्टिव, और सिर्फ H2O या H2O2 देन ऑक्सीडेटिव। और जब रिडक्टिव होता है यहाँ पे है, उसमें क्या करेंगे, सिंपली H और H जो ऑक्सीडेटिव में, तो जो CH बॉन्ड होता है उसको ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडाइज भी करना होता है, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, H और H अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, ये क्या करते हैं यहाँ पे H और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, दैट मीन डबल बॉन्ड O, इस पार्ट से भी सेम मिलेगा, इस पार्ट से भी सेम, ये एक फॉर्मल डिहाइड आ गया। दूसरा पार्ट क्या मिलता है इसमें, इस बीच वाले पार्ट को देख लो यहाँ पे, इसको ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पे। जब इसको ब्रेक करते हैं इस केस में, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, ऊपर इस साइड भी क्या रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस साइड भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, ये सेमी पॉट मिलेगा। अब जब इसको भी ओजोनोलिसिस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी सेमी मिलेगा, ये भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से भी सेम प्रोडक्ट, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट, और नीचे ये फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, तो फॉर्मल डिहाइड प्लस एक ये कंपाउंड मिल जाता, साइक्लोप्रोपेन 1-2-3 ट्रायोन, इस कंपाउंड का नेम आ जाता है यहाँ पर। और इसका कितना मोल मिलेगा ये भी सोच सकते हो, ये जो फोर, बिल्कुल सही है, ये कितना मिल जाता है, 4 मोल। क्लियरली मैंने सर्कल कर रखा है, 1-2-3-4, ये 4 मोल। फॉर्मल डिहाइड कितना मोल मिलेगा बताओ, काउंट करके, 6। तो ये एक सही है, बिल्कुल एक फॉर्मल डिहाइड, यहाँ से मैं ब्लैक से इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या रहेगा तुम्हारा, 6। तो 6 मोल फॉर्मल डिहाइड एंड 4 मोल इस कंपाउंड का, जो मैं अभी नेम मेंशन भी किया था। चलो ठीक है, ये तो डीपीपी नंबर A8 आ रहा है। नेक्स्ट है डीपीपी नंबर A9। A9 में क्वेश्चन नंबर 7-14, क्वेश्चन नंबर 7-14, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3-10, एट 11 भी है, तो देखते हैं क्वेश्चन, ये मेंस का था, फिर भी अगर यहाँ पे इसमें डाउट आ रहा है तो देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अगर डाउट आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैं दिक्कत जा रहा है वहां पे, ये भी एनालाइज भी करना है यहाँ पे, डिस्कशन का मतलब ये भी है कि थ्योरी पढ़ने के बाद, बुकलेट सॉल्व करने के बाद इसमें भी अगर डाउट आ रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं थ्योरी रिवाइज प्रॉपर नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बाकी और भी कुछ डॉट बताओ इसमें, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, बताओ सब लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये बिल्कुल, ये क्या रहेगा यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड, क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बता रखा है, सिर्फ वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं रहा होगा, वैसा कंपाउंड्स आ रहा था इसमें यहाँ पे, बट देखने के लिए साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है इसमें, साइक्लोवर्ड यूज नहीं होगा। साइक्लोवर्ड कब यूज करते हैं, जब सिर्फ एक ही टाइप का, दैट मीन होमोसाइक्लिक हो,
या फिर उसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, ये होमोसाइक्लिक नहीं है, कार्बन का सिर्फ रिंग नहीं आ रहा, इसमें एक ऑक्सीजन है यहाँ पे। एनहाइड्राइड जो है वो खुद ही रिंग का फॉर्मेशन कर रखा है यहाँ पे, तो सिंपली याद रखना है कि ये होमोसाइक्लिक नहीं है, तो इसमें साइक्लोवर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऑप्शन में देखो तो वो कर रखा है वहां पे। इसमें सिंपली क्या करना था, यहाँ पे एनहाइड्राइड आ रहा है, फोर कार्बन का मेन चेन होगा, 1 2 3 4, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो इसको 1 2 मिली, सेकेंड पोजिशन मिलेगा ही, साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी सेकेंड पोजिशन मिले यहाँ पे, 1 2 3 4। अब ये क्या रहता है, 2-methyl, मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे है, 4 कार्बन का, 2-methyl-but, इस पोजिशन पे अनसेचुरेशन है, सेकेंड पोजिशन पे ब्यूट 2-ईन, इस पोजिशन पे एनहाइड्राइड आ रहा है तुम्हारा, इसमें यहाँ पे 1 and 4 पे, ब्यूट 2-ईन 1-4 डाइओइक एनहाइड्राइड। इसके लिए स्पेशल सफिक्स भी यूज नहीं होना, क्योंकि ये खुद ही रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 1-4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है उसमें यहाँ पे, ए। अब देखो एक मिनट, ये ऑप्शन में पोजिशन नहीं दे रखा है, यहाँ पे पोजिशन नहीं भी दे रखा है, जो भी करेक्ट है, डाइओइक एनहाइड्राइड लिख रखा है वहां पे, तो पोजिशन नहीं भी दिया जा रहा है, तो ब्यूट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1 and 4 पोजिशन पे ही होगा वो एनहाइड्राइड, वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री में, विच ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड कंटेंट सल्फर एटम, नहीं इसको नहीं करना है तुम्हें, अभी क्वेश्चन को नहीं करना, एमिनो एसिड अलग से लोगों को पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नहीं करना है तुम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे एस्पार्टिक एसिड हम लोग क्लास में किए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा तुम लोगों में, ये आगे का पार्ट है। टायरोसिन क्या होता है, हिस्टिडाइन, ग्लाइसिन, ये सब आगे का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी नहीं करना है तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ न्यूट्रल एफिशियल 3, टेस्ट तो पता है न्यूट्रल एफिशियल 3 टेस्ट कौन देता है, फिनॉल, बट सबका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों को नहीं करना है, वो अलग ही चैप्टर आता है इम्यूनो एसिड का। क्वेश्चन नंबर 7, तो 3 को नहीं करना था अभी, बाकी 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते थे, ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ही दे रखा है, और प्रोडक्ट अगर गिवन है तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस ऑप्शन से ये प्रोडक्ट मिल पाएगा यहाँ पे, वॉइस प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को, सर बीच बीच में, ओके बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, तो ठीक है देखते हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा तो बताओगे फिर, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, अब यहाँ पे ऑप्शन से करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व, ए बी सी डी जो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, तो ऑप्शन से जाकर के चेक करना है वहां पे। एक मिनट वॉइस ब्रेक हो रहा था, एक मिनट वेट करो इसमें। तो ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिए ए ऑप्शन की बात करो, ए ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ कुछ इस टाइप का, यहाँ पे डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हो, ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप का मिल जाएगा, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है। बी की बात करें वहां पे, तो बी में भी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर देखोगे, बी ऑप्शन में टोटल कार्बन कितना आ रहा है, काउंट करके बताओ सब लोग, तो ठीक है कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ एरर आ रहा होगा, ओके नेटवर्क कुछ इशू था, अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है, यस सर, यस सर,
चलो ठीक है। अच्छा तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे हम लोग इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि ऑप्शन बी में टोटल नंबर ऑफ कार में आइटम्स कितना आ रहा है। 3D फिगर है, सोचना रहेगा तुम्हें। सेवन तो ये बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ कार आइटम्स कितना आ रहा है उसमें, 7। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है वहां पर। अब ये जो इस टाइप का ये परपेंडिकुलर दिखाया गया, इसका मीनिंग क्या, मैं डॉट लाइन से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है परपेंडिकुलर बेसिकली, इस टाइप से। इस यहाँ पे कोई कार्बन आइटम नहीं है, तो टोटल कार्बन जो रहेगा तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन ही आ रहा है। जबकि फाइनल जो क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना दे रखा है वहां पे, काउंट करो टोटल कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन दे रखा है। तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओजोनोलिसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता, वो एज इट इज रहता है वहां पर। तो बच गया तुम्हारा सी एंड डी ऑप्शन। चलो अभी भी बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंट, उस देखते हैं अगर बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है इसमें कुछ और करता है यहाँ पे, बाकी ये नेटवर्क इशू आना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर ये बी ऑप्शन में मैं ये बता रहा था कि सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर लेना था, इसमें 7 कार्बन ही है और जो क्वेश्चन में दे रखा है वहां पे प्रोडक्ट, वहां पे ओवरऑल 8 कार्बन है। ओजोनोलिसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता, वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सी एंड डी ऑप्शन को चेक करना था यहाँ पे। तो सी ऑप्शन की बात करोगे उसमें, तो सी ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है वहां पे है? तो सी ऑप्शन में 3-3 पाई बॉन्ड है और जब 3 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा वहां पे, 3 पाई बॉन्ड, अगर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो यहाँ पे इसमें 2 ऑप्शन आए, एक ऑप्शन इधर एड होता है, एक ऑप्शन इधर एड होगा। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद 2 ऑप्शन ऐड होता है ओवरऑल। इसी तरह सी में टोटल 3 पाई बॉन्ड है और जब 3 पाई बॉन्ड है उसमें तो 6 ऑप्शन आकर के ऐड होगा, जबकि क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन आइटम है, तो वहां से क्लियर पता चल पाता है कि सी भी पॉसिबल नहीं है। एक मिनट वेट करो, इसमें मैं देखता हूँ वीडियो इसको पॉज करके। अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस? यस यस सर। तो ठीक है, यस सर। तो ठीक है, देखते हैं वीडियो को बंद ही रखते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखना था यहाँ पे कि सी ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सी में 3-3 पाई बॉन्ड है, उसको अगर ओजोनाइज करोगे तो 6 ऑप्शन आ जाएगा जो कि क्वेश्चन नहीं दे रखा है, एक ही ऑप्शन बजाता है तुम्हारा डी, क्योंकि मैंने ए बी सी को रिमूव कर दिया वहां से। तो डी में देखना है कि प्रॉपर 8 कार्बन भी आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड भी आ रहा है, उसका जब ओजोनोलिसिस प्रोसेस करोगे तो आंसर आ जाता डी से ही वो प्रोडक्ट मिल पा रहा होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, और क्या क्वेश्चन था बताओ इसमें सर? 14 क्वेश्चन नंबर 14। तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन है फिर दोबारा एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि वो हट चुका है वो क्वेश्चन नंबर 14। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, 11 भी था, देख लेते हैं 11 को भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भी था, 5 भी है,
सर फाइव नहीं है शायद ना, क्वेश्चन नंबर फाइव ऑलरेडी फाइव तो करना ही नहीं था, मैंने बताया भी था कि फाइव फोर थ्री सबको छोड़ देना है अभी वहां पे, उसका जो कंपाउंड्स का नेम है वो हम लोगों को नहीं पता, वो आगे का पार्ट है तो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में बोला जा रहा है कि ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ओ थ्री जडन एच टू और हीट। अब देखो यहाँ पे बेंजीन आ रहा है इस केस में, बता सर वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है, वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है। तो देखते हैं, वैसे तो पूरा केबल का लगा हुआ, फिर भी अगर दिक्कत आ रहा है फिर नॉर्मल में तो फिर और दिक्कत जाता है, देखते हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर सेवन का जो डी ऑप्शन था तो उसमें वहां पे सिर्फ चेक कर लेते, उसमें ओजोनोलिसिस नहीं करना था ओवरऑल, ये तो मैंने करा के बताया था उसमें सिक्स ही कार्बन है, बी में क्या आ रहा है तुम्हारा सेवन कार्बन था, सेवन की अगर बात कर रहे हो एक मिनट वेट करो, देखते हैं लोग। तो देखते हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को? यस सर। तो ठीक है, चलो अभी आ रहा होगा प्रॉपर वॉइस सब लोगों को, जो कंटिन्यू करते हैं इसमें। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में अगर जिनको दिक्कत है उसमें सिर्फ ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बेटम्स काउंट कर लेते हैं, ए एंड बी ऑप्शन तो नंबर ऑफ कार्बेटम से हट जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसमें एट कार्बन है, जबकि ए एंड बी में तुम्हारा ए में सिक्स कार्बन है, बी में सेवन कार्बन है। सी को मैंने क्यों रिमूव किया, क्योंकि सी में तीन पाई बॉन्ड है, और जब थ्री पाई बॉन्ड है उसमें जब ओजोनोलिसिस प्रोसेस करोगे उसमें वहां पे सिक्स ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूरी दे रखा है, वहां पे एक ही ऑप्शन बच जाता है तुम्हारा डी, तो डी उसका आंसर आ पाएगा। डी का जब ओजोनोलिसिस करोगे तो फिर प्रॉपर हो पाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट भी उसी टाइप का क्वेश्चन था वहां पे, इसमें क्या दे रखा है सी एच थ्री, सी एच थ्री, और इस केस में फिर ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ओ थ्री जडन एच टू ओ। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मैंने बताया होगा क्लास में कि जडन एच टू रिडक्टिव तो है बट हीट गिवन है, यहाँ पे हीट क्यों गिवन है इसमें तो बता सकते हो? पर बेंजीन है इसलिए। सही है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी बस याद रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि स्टेबल होता है, तो उसका इजिली ओजोनोलिसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है, फिर भी मुझे ओजोनोलिसिस कराना है, हीट अगर दे देते हैं तो ये फिर ओजोनोलाइज हो पाया है, इसका प्रोसेस वही करना है। तीन पाई बॉन्ड आ रहा है, तीनों को ब्रेक करो, यहाँ पे एच और एच आ रहा है, अंडरस्टूड है वो, इस वाले पार्ट से तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो क्या रहेगा, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, और ये क्या रहेगा तुम्हारा सी एच थ्री, इस टाइप से आ जाता, एक तो ये मिल जाएगा। इस वाले पार्ट का ओजोनोलिसिस करते तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, एच सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आ जाते फिर यहाँ पे इस बॉन्ड को, सी डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ एच, और इस वाले पार्ट को भी अगर करते तो वो सेम प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, इसी का दो मॉलिक्यूल्स मिल जाता है, दो मोल्स और एक ये, तो ऑप्शन चेक कर लो किस ऑप्शन में आ रहा है वहां पे, ए।
देखते हैं यहाँ पे। इसमें बोला क्या जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिबल वर्सेस O3। अब देखो यहाँ पे क्या रहा था इस केस में, एक तो ये आ गया, ये दोनों तो आता ही है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है इसमें यहाँ पे, कि बेंजीनिंग जो होता है यहाँ पे एक्चुअल में, ध्यान दोगे ये कि बेंजीनिंग जो एक्चुअल में होता है वो क्या रहेगा उस केस में, वो ऐसे बनाता है यहाँ पे सर्कल। बेंजीनिंग को सर्कल बनाने का क्या मीनिंग है, पाई बॉन्ड इंटरचेंज हो गए। पाई बॉन्ड इंटरचेंज होता है, बस सही पॉइंट है इसमें। इसमें जो पाई बॉन्ड का पोजिशन होता है वो डीलोकलाइज होता है, वो फिक्स नहीं होता यहाँ पे। अभी इस पोजिशन पे आ रहा है, अभी ये पाई बॉन्ड तुम्हारा इस पोजिशन पे भी आ जाएगा यहाँ पे, और CH3 तो फिक्स रहा था यहाँ पे। क्लियर है, जो हम लोग जो सर्कल दिखाते हैं उसका मीनिंग है कि पाई बॉन्ड अपना पोजिशन चेंज करता है रिंग में, और जब पाई बॉन्ड का पोजिशन चेंज होगा इस केस में, अब देखने की यहाँ से क्या पॉइंट मिलेगा इस केस में। तो यहाँ से जो कोड मिलेगा इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे, इसको ब्रेक करोगे और इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे, तो आप देखना किस पार्ट से क्या मिल रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे। एक तो ये मिल जाता है यहाँ पे CH3, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं जो भी है CH3। इस वाले पार्ट की बात करें हम लोग, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक H है, तो CH3 सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड हो और एक एच, और इस पार्ट से भी सेम मिल जाता तुम्हें, और इस पार्ट से क्या मिल जाता, ग्लाई ऑक्सल, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक ये भी प्रोडक्ट मिल पा रहा है, ये तो मिल ही रहा है यहाँ पे, एक ये भी मिल रहा है यहाँ पे, और एक ये। तो ओवरऑल आंसर कौन सा आ जाता है, ये तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ए वाले पार्ट में तुम्हारा ये प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है वहां पे। इसका जो बी ऑप्शन है, बी का जो एक फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें उसको शॉर्ट में लिख रखा है CHO2 times, ये CHO2 times आ रहा है। एक ये भी कोड बन पा रहा है यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और एक ये भी आ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सोचना क्या था कि जो पाई बॉन्ड का पोजिशन होता है बेंजीन, वो अपना पोजिशन इंटरचेंज कर सकता है इस तरीके से, अल्टरनेट ही रहना है वो, बट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसमें क्या रहा है, नंबरिंग कर दो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या रहेगा ये 1 2, तो अपना पोजीशन ये तीनों पाई बॉन्ड चेंज करता है। तो दोनों तरीके से ओजोन विज करके देखना था यहाँ पे। क्लियर है, इस क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है वहां पर, तो आंसर तो बी ही रहेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी कीटोन्स विथ मोलिकुलर फार्मूला C5H10O इज पॉसिबल। सो सकते थे यहाँ पे C5H10O, और C5H10O अगर आ रहा है यहाँ पे, इस केस में पहला काम क्या होता है DU, तो डी यू कौन बताओगे, बताओ इसमें। वन वन चलो सही है, कुछ लोगों को पता है कि सर क्या पूछने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आना है डी यू, तो डी यू वन। अब डी यू वन क्यों, डी यू निकालने का बेनिफिट क्या है, डी यू वन आ गया और पूछा जा रहा है कि कीटोन, तो कीटोन में एक डबल बॉन्ड तो रहेगा इसी डबल बॉन्ड हो, दैट मीन्स एक कीटोन के अलावे और कोई दूसरा डबल बॉन्ड या कोई रिंग नहीं आ पाएगा, सिर्फ एक यही रहेगा यहाँ पर। अब देखना था यहाँ पे कि C5H10O स्टार्ट कहाँ से करता है, इसमें 5 कार्बन का चेन बनाता है यहाँ पे 1 2 3, और एंड पॉइंट पे अगर लास्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O को ऐड करते हो, तो ये तो क्या बन जाएगा फिर, 5 कार्बन को तो आ गया, मोलिकुलर फार्मूला भी यही है, बट ये एल्डिहाइड आ गया, मुझे चाहिए क्या, कीटोन। कीटोन अगर चाहिए इसको यहाँ पे लगाना होगा सी डबल बॉन्ड, और इधर CH3, ये कीटोन आ गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये पार्ट तो फिक्स है, ये नॉर्मल प्रोफाइल है, 3 कार्बन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आइसो आइसो, टेक्निकल। इसका आइसो फॉर्म लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड हो, और 3 कार्बन एटम्स में 2 ही पॉसिबल, एक नॉर्मल प्रोफाइल एंड सेकेंड वन आइसो प्रोफाइल, ये 2 फॉर्म आ गया। तो
और क्या पॉसिबल है, इस सी डबल बॉन्ड ओ को इस मिडिल वाले काम पे ला सकते हैं इस टाइप से, सी डबल बॉन्ड ओ, क्लियर है? यहाँ पे तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर है कीटोन का, एक ये आ जाता नॉर्मल प्रोपाइल का, एक ही आइसो प्रोपाइल फॉर्म आ जाता, और ये सी डबल बॉन्ड हो जब बीच में आ गया तो ये इथाइल और इथाइल दो कार्बन को और कुछ अरेंज करके नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये यहाँ से एक ही मिलेगा और इस फॉर्म से दो मिल पा रहा था, तो ओवरऑल क्या रहेगा इसका आंसर 3। तो मेंस में तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल टाइप का। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमेरिक अमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 73, हाउ मेनी ऑफ देम गिव आइसोसाइनाइड विद CHCl3 एंड KOH। अब ये POC का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखने कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और KOH दिया गया है एज ए रिएजेंट, और फाइनल पार्ट बोला जा रहा है कि ये क्या बना है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, नोमेनक्लेचर में पढ़े थे RNC, ये क्या होता है आइसोसाइनाइड। अब इसमें बोला जा रहा है कोई अमाइन है जिसका कि मोलिकुलर वेट 73 है, वो कैसे गेस करोगे यहाँ पे है, बेसिकली ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH आ रहा है, अमाइंस का मोलिकुलर वेट दे रखा है, कुछ हम लोग रेंडम सा अमाइन गेस कर सकते हैं यहाँ पे है, क्योंकि CH3 हो, CH2। हाँ एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आइसोसाइनाइड बनाता है वो अमाइन तो टेस्ट देता है, तो कौन से अमाइन का ये टेस्ट होता है, कार्बाइल एमिन टेस्ट में पढ़े होंगे, कार्बाइल एमिन टेस्ट, या फिर इसी को बोलते हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट। जो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, सही है नितिन, बिल्कुल, ओनली प्राइमरी अमाइन, दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट दे पाता है यहाँ पे, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो देता है ओनली प्राइमरी अमाइन, दैट मीन्स यहाँ पे जो अमाइन होगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्ट कर पाएगा, और जैसे ही आइसोसाइनाइड बन जाता है NC फाइनल प्रोडक्ट, और देखते हैं क्या होगा, इसका कुछ अनप्लीजेंट सा स्मेल रहता है, और जैसे वो अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू होता है हम लोग समझ पाते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा, तो प्राइमरी अमाइन सबसे 73 के आसपास मॉलिक्यूलर वेट का कोई प्राइमरी अमाइन चेक करोगे तो CH2NH2, इसका चेक करके बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड्स का, तो कार्बन आ रहा है तुम्हारा 4 48, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14, हाइड्रोजन कितना आ रहा है इसमें यहाँ पे 11, देखो कुछ आ पा रहा है ऐसा क्या, यस 73 आ पा रहा, तुम्हें पता चल जाएगा वहां पे कि 73 है, और अमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट पता है 12, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 पता है सबको, तो सिंपली सोच सकते थे यहाँ पे यही अमाइन होगा यहाँ पे, ये जो प्राइमरी अमाइन थी तो NH2 आ गया इस केस में यहाँ पे, और इसमें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि प्राइमरी अमाइन ही रहे ये, देखते हैं यहाँ पे, दैट मीन ये कंपाउंड तो यही है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक अमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 73, इसका क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हाउ मेनी ऑफ देम गिव आइसोसाइनाइड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ, देखते हैं यहाँ पे इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो, CH3 CH2 NH2, ये भी हमारा क्या यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ही है ये अभी भी, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें ऐसा कुछ बोलने रखा है इसमें कि 73 में ओपन चेन ही लेना है या क्या लेना है, ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक अमाइन, देखते हैं यहाँ पे, इसमें तो ऐसे दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे CH3 CH2 CH2,
और अगर कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग CH3 CH2 देखो, इसमें एक एक कार्बन और भी अगर ऐड करता है यहाँ पे है। देखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 इसका 87 आ रहा है क्या यहाँ पे CH2 CH2 NH2 इसका मोलर वेट निकालो तो क्या आ रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड से अगर 5 कार्बन कर लिया जाए 85। देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करें 73 मोलिकुलर वेट अगर दे रखा है वहां पे, इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, तो ये तो फिर डिफरेंट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक इस पार्ट को तो फिक्स रखना है, CH2 NH2 रहना यहाँ पे, सिर्फ इसी को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। इसका एक नॉर्मल प्रोफाइल एक आइसोफॉर्म आ गया यहाँ पे, इसमें तो दो ही इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आ पाएगा यहाँ पे, इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या गिवन है 14 का, चेक करो एक बार 14 DPP का आंसर। तो 4 दिया हुआ नहीं, इसमें तो क्या रहेगा, जब प्राइमरी अमाइन लेना है मुझे तो CH3 CH2 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 NH2 इसी टाइप से रहेगा यहाँ पे, साइक्लिक बन नहीं सकता यहाँ पे 73 में। साइक्लिक अगर हम वो देखें ड्रॉ करके यहाँ पे, CH2 NH2 इस टाइप से, तो CH2 NH2 की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक ही रिंग स्ट्रक्चर। इसका मोलिकुलर वेट देखो ये 73 आ रहा है क्या जो गिवन है वहां पे, इसमें अगर काउंटिंग करते हैं नहीं ये 73 नहीं आ पाएगा यहाँ पे, DUE चेंज हो गया। अब देखोगे यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा बेसिकली प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा है, इसमें यही दो पॉसिबल स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक अमाइन, अमाइन तो और भी पॉसिबल है इसका यहाँ पे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे किस बेसिस पे दे रखा होगा यहाँ पे, इसका जो टोटल आइसोमेरिक है यहाँ पे, तो टोटल आइसोमेरिक क्या बनेगा CH3 CH, चार कार्बन को चार तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या रहेगा CH3 NH2। एक मिनट, सही आंसर है वो CH3। बिल्कुल यहाँ नहीं देखना यहाँ पे CH3 NH2, यही गलती बच्चे भी करते हैं यहाँ पे जैसा मैं अभी सोच रहा था, बट ये जो रहेगा यहाँ पे ये भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ पर जो आ रहा है ये अमाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री ही है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन है सर ये तो 2 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, बट नाइट्रोजन का डिग्री हम लोग नाइट्रोजन के बेसिस पे देखते हैं अमाइन का डिग्री, इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये 1 डिग्री, और ये भी तुम्हारा 1 डिग्री रहेगा। 2 डिग्री कब होता है, 2 डिग्री ये जब होता है इस टाइप से अगर होता है यहाँ पे CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये 2 डिग्री अमाइन है यहाँ पे। 3 डिग्री अमाइन कब होता, जब ये CH3 CH2 N CH3 CH3 जब ये अमाइन होता है यहाँ पे। क्लियर है, आंसर करेक्ट है, और उसका कौन कौन सा रहता है ये चारों आ जाता तुम्हारा यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, जब प्रॉपर ड्रॉ करो तो अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे, विदाउट ड्रॉ की अगर सोचते तो फिर वहां पे फिर यही दो सोच पाओगे, ड्रॉ करो इसका चारों फॉर्म तो अपने आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये चारों प्राइमरी अमाइन ही है, चारों कार्बोएलिमेंट टेस्ट दे पाए गए, ये टर्सरी नहीं है प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, टर्सरी स्टेप से होता है। चलो ठीक है आगे देखते हम लोग, और भी कोई डाउट है DPP में, अब
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हें कंपाउंड्स का नेम पता होना चाहिए और सारे कंपाउंड्स का नेम जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था उसमें दिया गया होगा, तो वहां से चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 14 के जैसा। तो बताओ लास्ट डीपीपी, डीपीपी नंबर 10 चेक करो इसमें क्या क्या डाउट है। डीपीपी नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 और 2 7, 8, 5, 9 तो देखते हैं 10 क्वेश्चन है, 10 है तो 6 क्वेश्चन बोर्ड पे ही आ गया है, 5, 7 ऑलरेडी आ गया है। तो देखते हैं इतने सब लोगों का डाउट, और भी कोई डाउट है इसके अलावा तो बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, अब देखो कंप्लीटली पीओसी का पार्ट है ये, इस पार्ट को आराम से करोगे यहाँ पे, दैट मीन्स इस पार्ट से भी क्वेश्चन रह सकता है। सेकंड की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो सेकंड में दो स्ट्रक्चर की बना और सोचना कैसे इसे क्वेश्चन को, प्रोसीड कैसे करो कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है CHO, दूसरे केस में दे रखा है यहाँ पे CH2 सी डबल बॉन्ड OH, इसमें बोला जा रहा है कि कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय, किससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फर्स्ट आ रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है इसमें, तो कोई भी आइडोफॉर्म ग्रुप नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट कोई भी ग्रुप नहीं देता। आइडोफॉर्म टेस्ट लिए क्या याद रखना है तुम्हें, CH3 सी डबल बॉन्ड हो और इधर कोई अल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप, ये मिथाइल कीटोन टाइप से ग्रुप आ रहा हो या फिर CH3 CH OH और इधर कोई ग्रुप हो यहाँ पे, ये दो ग्रुप अगर कहीं पे आ रहा है देन वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसमें से दोनों में से किसी के पास ये ग्रुप नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा कोई भी, और कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है दैट मीन्स उससे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश कब करते हैं, जब एक दे रहा हो और एक नहीं दे रहा हो। बी की बात करें टॉलरेंस टेस्ट, तो जो टॉलरेंस टेस्ट होता है वो दोनों LDR दे पाता है, ये भी LDR देगा टॉलरेंस टेस्ट और ये भी LDR टॉलरेंस टेस्ट दे पाएगा, और जब दोनों दे रहा है टेस्ट उससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वहां पर। सी की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन सा नहीं देगा इस दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखो यहां पे याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, बट स्पेशल टाइप का LDHIDE ये टेस्ट दे पाता है, ओनली एलिफेटिक LDHIDE गिव्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये एलिफेटिक LDHIDE है क्योंकि ये LDHIDE डायरेक्टली बेंजीनिंग से कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ का जो LDHIDE है फर्स्ट का वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग बेंजीनिंग से कनेक्टेड है, तो एरोमेटिक LDHIDE फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे पाता, ओनली एलिफेटिक LDHIDE गिव्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब एरोमेटिक LDHIDE किसको बोल रहे हम लोग, जो LDHIDE की डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग बेंजीनिंग से कनेक्टेड है उसी को क्या बोल रहे हम लोग, एरोमेटिक LDHIDE, ये टेस्ट नहीं देता है। सबका डिटेल में रीजन होता है बट मैं कई बार पीओसी में बताया हुआ कि अभी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा तुम्हें, एक दे रहा है टेस्ट, एक नहीं दे रहा और एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट जितने भी LDHIDE या कीटोन होते हैं सबको ये टेस्ट दे पाता है, तो 2,4-DNP टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों दे पाएगा, उससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो किससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आइडोफॉर्म टॉलरेंस एंड 2,4-DNP, आंसर आ जाता है ABD। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि रूट व्हाट इज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड C3H2D2 व्हिच डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन सा कंपाउंड कर पाता है,
अनसेचुरेटेड कंपाउंड। बिल्कुल, बस यही एक पॉइंट याद रखना था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, और वो जो कलर होता है ब्रोमीन वाटर को उसको डीकलराइज कर देता है वहां पर। तो ब्रोमीन वाटर जहां कहीं भी आ जाए तो उसमें ध्यान का क्या रखना है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाता है। ए ऑप्शन में भी क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बी ऑप्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, रिंग में ठीक है वो कहीं भी हो, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। सी में भी आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और डी ऑप्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, दो दो आ रहा है वहां पे। ऑल आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स ए बी सी डी चारों क्या होगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर पाएगा, आंसर आ जाता चारों ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी गिवन बाय स्क्वायरिक एसिड। जो एक एसिड दे रखा है वो क्या रहा है वहां पे, स्क्वायरिक एसिड। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओएच ओएच और ये डबल बॉन्ड। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट है इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा। क्यों तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा, क्योंकि तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ रहा है। हाइड्रोकार्बन तो नहीं है बेसिकली कंपाउंड ओवरऑल, बट ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि तो ऑप्शन भी आ रहा है उसके अलावा, तो ये दे पाएगा डबल बॉन्ड होने के चलते कार्बन कार्बन के बीच में ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टू फोर डीएनपी टेस्ट, तो टू फोर डीएनपी टेस्ट कीटोन आ रहा है यहाँ पे, टू फोर डीएनपी टेस्ट भी दे पाएगा ये। न्यूट्रल एफिशियल थ्री टेस्ट, न्यूट्रल एफिशियल थ्री टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, फिनॉल एंड इनॉल। फिनॉल, तो ये बिल्कुल फिनॉल एंड इनॉल। अब देखने को मैंने बताया था कि इनॉल क्या होता है, तो कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर ओएच ग्रुप आ जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनॉल। इन जनरल कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओएच आ जाए उसको क्या बोलते हैं लोग, इनॉल। और फिनॉल क्या था कि कहीं भी इस टाइप से, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन बट बेंजीन का डबल बॉन्ड और उसपे अगर ओएच है, ये क्या था, फिनॉल। यहाँ पे इनॉल जैसा कुछ आ रहा, ध्यान से देखोगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओएच आ रहा है, ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, इनॉल। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो सर? पर वो तो साइक्लिक चेन में तो नहीं आएगा ना, इनॉल कहीं भी रहेगा वो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओएच कहीं भी आ रहा हो, ओपन चेन में हो या साइक्लिक में हो। देखिए ये क्या आ रहा, रिंग में डबल बॉन्ड हो, ये भी तो बेंजीन पे क्या था, रिंग में डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओएच आ रहा है, ये बेंजीन का केस है, इसको क्या बोल लेते हैं, फिनॉल। तो ये कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओएच आ जाए, चाहे ओपन चेन में हो चाहे क्लोज चेन में हो, वो इनॉल ही बोलेंगे इसको यहाँ पे, ये भी टेस्ट दे पाता है जैसा कि फिनॉल के केस में सोचते थे। तो इंजन लोग इनॉल ही बोलते हैं हर केस में, बट फिनॉल जो बोलते हैं बेंजीन एक स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, फिनॉल। वो भी दे पाएगा यहाँ पे इनॉल होने के चलते, इनॉल आ रहा है वहां पे। डी में टॉलरेंस टेस्ट, तो टॉलरेंस टेस्ट कौन सा देता है मेनली, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहीं आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये नहीं दे पाएगा, तो आंसर क्या जाता है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉजिटिव हाइड्रोकार्बन टेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एट में ये ऑप्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि मुझे जो सी डबल बॉन्ड ओ चाहिए, ये एल्डिहाइड या कीटोन ही हो यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो, इधर क्या कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए था, कार्बन चेन या एच, फंक्शनल ग्रुप चेंज सही है इसमें एट के। हाँ बताओ, तो ठीक है देखते हैं यहाँ पे, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ एच आ जाता है, तो ये क्या हो जाए, कार्बोक्लिक एसिड। ये तो फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो गया, एल्डिहाइड कीटोन रह नहीं गया यहाँ पे, ये हाइड्रोकार्बन टेस्ट नहीं देता है। बी दे पाएगा तुम्हारा, बी क्यों दे पाएगा, क्योंकि पी एच है, कार्बन ही है उधर, सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, ये सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अब सेम क्वेश्चन क्लास में कराया गया होगा।
मेरा जो भी आ रहा हो CH2 CH ये पार्ट आ रहा है इसमें से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा डी ऑप्शन में। मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि डी में अगर देखोगे तो डी में किस टाइप का आ रखा है CH3 CH OH और इधर कोई कार्बन चेन हो, कि ये दो ग्रुप जहां कहीं भी प्रेजेंट हो वो क्या होता है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाता, जो कि मैंने ऊपर भी लिख रखा था स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा ही ग्रुप प्रेजेंट है बट इसमें OH आ गया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ये एसिड बन गया, दैट मीन्स ये नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि कंपाउंड गिविंग ऑफेंसिव स्मेल ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। मैंने पीछे क्वेश्चन कराया हुआ इस टाइप का कि क्लोरोफॉर्म और KOH, ये क्या है CaCl3 को क्या बोला जा रहा है क्लोरोफॉर्म और KOH हाइड्रोक्साइड एन उसी को क्या बोला जा रहा है अल्कली। ऑफेंसिव स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल दैट मीन्स वो क्या बन रहा होगा NC। तो ये रिएक्शन ये जो टेस्ट होता है वो कौन सा कंपाउंड देता है, ओनली प्राइमरी अमाइन जो कि यहाँ पे देख भी रहे थे, इसमें प्राइमरी अमाइन कौन सा आ रहा है तुम्हारा, ए भी प्राइमरी अमाइन है, बी भी प्राइमरी अमाइन आ रहा है 9 का, सी तो अमाइन है ही नहीं और डी भी प्राइमरी अमाइन आ रहा है, दैट मीन्स ABD टेस्ट दे पाएगा ये हाइड्रोफॉर्म सॉरी क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली के साथ रिएक्शन कर पाएगा वो। तो क्लोरोफॉर्म और अल्कली बोलने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो CaCl3 KOH की बात कर रहा है, CaCl3 का नेम क्या होता है क्लोरोफॉर्म, और कोई भी अगर बेस हो तो बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, ये पढ़े होंगे 10th में ही, ये बेस आ रहा है KOH दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन, उसमें चेक करना था कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10 में मैच द कॉलम उसको मैच कराना था वहां पर, चेक कर लेते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा था इसमें ए में CH3 CH OH CH3 ये ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाता है यहाँ पे, बाकी ऑप्शन देखना है कि पी में बोला जा रहा है कि इट इवॉल्व CO2 गैस विद NaHCO3 नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट कौन देता है मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, उसके अलावा फिनॉल पे कोई अगर ग्रुप लगाओ नाइट्रो ग्रुप। देखने की जब भी NaHCO3 आ रहा है सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट जहाँ पे मैंने बता रखा है टेस्ट वहां पे जाकर के बाद पेज पलट हो गए, जब खुद से जब क्वेश्चन आ रहा है खुद से पेज पलट करके देखोगे और वो सॉल्व करोगे क्वेश्चन अगर याद नहीं भी है वो तुम्हें ज्यादा फायदा मतलब ओवरऑल बेनिफिट मिल पाएगा, ज्यादा टाइम तक याद रह पाएगा तुम्हें, मैं बता दूंगा वहां पे वो उतना याद नहीं रह पाएगा, तो पीछे जब पेज पलटोगे खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो फिर वो लंबे टाइम तक याद रह पाता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो पी तो नहीं आ पाएगा, इट गिव्स हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा, दो बार पीछे भी मैं बता चुका हूँ अभी यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे क्यू, और भी चेक कर लेते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इट गिव्स लुकासिडिन टेस्ट, ये लुकासिडिन टेस्ट भी दे सकता है, अल्कोहल है अल्कोहल लुकासिडिन टेस्ट देता है, ये क्या होगा आर भी आ जाएगा, इट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे पाएगा एल्डिहाइड नहीं आ रहा यहाँ पे, इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देगा एल्डिहाइड कीटोन नहीं है यहाँ पे, ए का क्या जाता है क्यू एंड आर, और किसी पार्ट में दिक्कत है 10 के ABCD इस तरीके से सोचना था यहाँ पे, स्पेशली बता सकते हो जिनका क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन नंबर 10 था कि BCD किसमें, और मैं चेक करके बताऊँ यहाँ पे, चलो एक मैं डी ये चलो बता ही देता हूँ, बी में क्या रहेगा, बी में क्या रहा तुम्हारा कीटोन, और कीटोन जो होता है NaHCO3 टेस्ट नहीं देता है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा वो, क्यों हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा बी, फिर वही पार्ट आ गया उसमें वहां पे C(OH)CH3 मिथाइल कीटोन क्लियर है यहाँ पे, और जब मिथाइल कीटोन आ गया तो ये दे पाएगा, ये क्यू आ जाता, इट गिव्स लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं दे पाएगा, एस
टॉलरेंस टेस्ट भी ये नहीं देता है, टॉलरेंस टेस्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड। और ये क्या रहेगा यहाँ पे, इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट दे पाए कीटोन है। तो आंसर क्या जाता है इसका यहाँ पे, QNT। इस तरीके से सोचना है। अब सी ऑप्शन जो है तुम्हारा, सी ऑप्शन का कॉमन नेम क्या होता है, कौन बताओगे? पिक्रिक एसिड। सही है बिल्कुल, इसका कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। एक इम्पोर्टेंट नेम, कॉमन नेम होता है इसका, याद रखना रहेगा तुम्हें। वो क्या है, पिक्रिक एसिड। अब देखना कि ये जो होता है पिक्रिक एसिड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट दे पाता है, ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर पाता है। और ये क्लास नोट्स में लिखाया गया, ये एग्जांपल भी। ये पी तो आ जाता है यहाँ पे, पी के अलावा आइडोकॉम टेस्ट नहीं देगा, अल्कोहल नहीं है ये कौन सा है, फिनॉल टाइप का आ रहा है, ये लुकासरीन टेस्ट भी नहीं देता है। ऐसा नहीं कि वो है ये लुकासरीन टेस्ट, ये फिनॉल हो गया, और फिनॉल लुकासरीन टेस्ट नहीं देता है, ये न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे पाएगा। टॉलरेंस 2,4-DNP तो देना ही नहीं है इसको, आंसर सिर्फ इसका क्या रहेगा, सी का पी। बी की बात करें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। अब जब बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो वो क्या मिल जाता है यहाँ पे, अंडर टूडे खरे कार्बन पे एक एक एच है, एच और एच, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, ये यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया। तो ये कौन कौन सा टेस्ट देगा, NaHCO3 तो नहीं देगा, तो NaHCO3 टेस्ट देता कौन सा, याद रखना है उसमें मेनली ऑल कार्बोक्लिक एसिड, ऑल सल्फोनिक एसिड, और फिनॉल में अगर आर्थो और पैरा पे NO2 लगा रहे इस टाइप से। इतना याद करके जाओ एग्जाम में, अगर NaHCO3 का क्वेश्चन आता है तो ऑल कार्बोक्लिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड गिव्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और फिनॉल के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा पे लगा हो या सिर्फ पैरा पे NO2 आ रहा हो वहाँ पे, या दोनों आर्थो और पैरा पे लगा हो, तो फिर वो टेस्ट दे पाता है NaHCO3 टेस्ट। मेटा वाला NO2 नहीं देगा यहाँ पे, ये सारा कुछ क्लास में बताया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ, मेनली 12th का रहा था, बट 11th में इसलिए दिया जाता है जो तुम्हारा स्कूल या कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें तुम्हें दिक्कत ना जाए, वो तुम्हें पता रहे कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। बाकी तो तुम लोग अभी स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है, बट ओवरऑल जब होता है नॉर्मली, जब नॉर्मल टाइम होता है, उसके लिए यहाँ पे 11th में दे दिया जाता है इसको। तो मेटा वाला अगर NO2 आ रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे पाता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये भी नहीं देगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पे एसिड या सल्फोनिक एसिड, आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा, लुकास नहीं दे पाएगा, टॉलरेंस टेस्ट दे पाएगा एल्डिहाइड है, और 2,4-DNP भी देगा SNT लास्ट का। तो पहले बेंजीन का ओजोनाइज करके प्रोडक्ट बनाते, ये प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद चेक करते कि कौन कौन सा आ रहा है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। चलो और भी कोई डाउट हो तुम लोगों का? तो ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, बस इसी पार्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि POC का भी क्वेश्चन रहेगा इस बार, POC पार्ट को भी अच्छे से करना है। बाकी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में 3 प्रोसेस, मोनोहैलोजिनेशन, कैटालिटिक हैलोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस, तीनों पार्ट काफी आसान था, उसको तो देख करके जाना ही है। चलो ठीक है, हम लोग को सभी टाइम बचा हुआ है, तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही कुछ एग्जाम्पल्स वाले देखते हैं, कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी नहीं उतना, तो सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी था। तो क्लास नोट्स में ओपन कर लो, यहाँ पे जो लेक्चर नोट्स, यहाँ पे करते हो नोट्स,
उसमें से कुछ एग्जांपल हम लोगों को बस देखना है वहां पर। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था मैंने, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम का ग्रुप 13 का। ग्रुप 14 का अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए वहां पर, ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट है तो बता सकते हो? कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, बर्लिन। हाँ बताओ, गैलियम इंडियम हेलियम एंड, वो अलग था। गैलियम इंडियम थैलियम किसमें था? तुम्हारा ग्रुप 13 में, जो हम लोग पिछला एग्जांपल देख रहे थे, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ग्रुप 14 में कौन सा रहेगा? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन एंड पीवी लेड। सही है, बिल्कुल। अब इसमें देखो करना क्या था, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हारा बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम का था, वही सेम कॉन्फिगरेशन यहाँ भी आएगा, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज कर जाएगा। तो कार्बन का क्या आ जाता तुम्हारा यहाँ पे है, हीलियम 2H2 2P2, बाकी का ट्राइकोल खुद से क्या रहेगा, एज इट इज कॉपी करना उधर से। जैसा एल्युमिनियम का था वैसा ही सिलिकॉन का रहेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा पी वाले में। सिलिकॉन का क्या रहेगा, नियॉन 3H2 3P2। जर्मेनियम का क्या रहता है, आर्गन 3D10 4H2 4P2। SN का सिर्फ एज इट इज कॉपी करो वहां पर, क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर भी सबका नोट कर लेते पहले। कार्बन का क्या होता है, 6, सिलिकॉन का 8 14 सॉरी 14, जर्मेनियम का इसमें 18 ऐड करते हैं 32, फिर से 18 ऐड करते हैं 50, 32 ऐड करते हैं 82 82। एसएन का लिखते हैं यहाँ पे, तो क्रिप्टन 4D10 36 प्लस 10 46, और ये 5H2 5P2। सेम पैटर्न पे लेड का जिन्होंने से स्टार्ट करते हैं 4F14 5D10 6H2 6P2। अब देखो इनर्ट पे इफेक्ट क्या था, एक बार रीड भी करो इसको वहां पे, बिल्कुल सेम टाइप का एग्जांपल है ये। अब जो इनर्ट पे इफेक्ट शो करेगा इसमें, कौन कौन सा एलिमेंट इनर्ट पे इफेक्ट शो करेगा इसमें सोच के बताओ। लास्ट के तीन जहां पे कि एन का वैल्यू क्या हो, 4 या 4 से ग्रेटर, लास्ट का 3 इनर्ट पे इफेक्ट शो करेगा। क्यों लास्ट का ही 3 करता है, क्योंकि इसमें जो डी एंड एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है उसका पुअर शील्डिंग होता है वहां पे, वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, दैट मींस लास्ट का 3। और लास्ट का जब 3 इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है तो उसमें होता क्या है, जो तुम्हारा एनएस का इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मींस फोरएस का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अट्रैक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जर्मेनियम एसएन एंड पीवी के न्यूक्लियस के साथ, रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस जो है, और अट्रैक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या हो, जब ये इनर्ट हो गया, फोरएस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कौन, बाहर कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओनली 4p का, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उस केस में, +2। कभी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा SN का, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2। और PB का भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वो क्या होगा उसमें, +2। क्लियर है? बट कुछ एटम्स होते हैं जिसके साथ की जर्मेनियम एसएन पीबी का जब रिएक्शन होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, कुछ ही केस है जो हम लोग आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे,
जो 4s का इलेक्ट्रॉन उस केस में ये दोनों भी बाहर जा पाता है, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाता है 4s का भी दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है यहाँ पे, 2 + 2 = 4। उस केस में जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगा, +4। और सेम अगर 5s का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा वहां पे, SN+4। और Pb का भी सेम +4। तो जो जर्मेनियम SnPb है वो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4। +2 कब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जब जो 4s एंड 5s 6s का इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाएगा वहां पे, क्लियर है। और मैक्सिमम केस में वो इनर्ट ही रहता है, उसी केस रहता है जो कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का केस रहता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, उसी में सिर्फ वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है यहाँ पे। तो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखना यहाँ पे, एक पिछले क्लास का एक पॉइंट मैंने नोट लिखा हुआ था कि +2 ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउनवर्ड जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है, सही है, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनर्ट पे इफेक्ट कौन सा लगाएगा इसमें, पीबी। रीजन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी तो स्केटर्ड फॉर्म में होता ही है, साथ साथ एफ में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्केटर्ड फॉर्म में होता है, यहाँ पे डी एंड एफ, जबकि यहाँ पे कोई एफ नहीं है ऊपर, यहाँ पे डी एंड एफ दोनों स्केटर्ड फॉर्म में होता है, जो कि 6s का जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा अट्रैक्शन से, क्योंकि दोनों स्केटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरा हुआ सा रहता है वहां पे। जो 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है पीबी के न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है यहाँ पे, 82 प्रोटॉन आ गया, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है, यहाँ पे जो 6s का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है लेड के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स ये सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन मोस्टली केस में बाहर जा पाता है, और दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है मोस्टली केस में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होता है लेड यहाँ पे, और इसका जस्ट उल्टा, जैसा कि मैंने ग्रुप 13 के एलिमेंट के लिए बताया था सेम यहाँ पर भी है, कि अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +4 अपवर्ड इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड, इसका जस्ट उल्टा सोचना पड़ा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड, तो सिंपल सा पॉइंट है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगा। तो इसको कॉपी करो सब लोग यहाँ पे है, और इसी के जैसा एक और आता है यहाँ पे ग्रुप 15 का भी, मेनली ग्रुप 13, 14, 15 का एलिमेंट्स पी ब्लॉक में भी शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, यस, आर्सेनिक, एटॉमिक नंबर 7, 15, इसी से एक एक ज्यादा रहेगा इसमें, 33, 51, 83। कन्फिगरेशन एज इट इज तुम लोग खुद से लिख लो, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट का जो पी है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है वहां पे, खुद से कन्फिगरेशन लिखो सब लोग, यहाँ तक जो लोग नोट कर चुके हो। कन्फिगरेशन लिखने का प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए इस चैप्टर में, पीरियड टेबल में, आगे और भी बहुत ज्यादा पीरियड टेबल में लिखना पड़ेगा कन्फिगरेशन। चलो कन्फिगरेशन खुद से लिख लो मैं शॉर्ट में, जहां पे इसमें भी कौन सा एलिमेंट शो करेगा, लास्ट का 3, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, इसका कन्फिगरेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आर्गन 3d10,
4H2 4P3 आर्गन सॉरी क्रिप्टन। 5 मिनट तक में बड़ा फोन दाना अरना ओडिक्लेन अब बंद कर रहा हूँ। H2 कुछ डाउट्स है? नो सर। हाँ बताओ। बताओ कुछ डॉट्स हो तो सर। ये ग्रुप 15 में बिल्कुल ये क्या रहा था? ग्रुप 15 का ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 का ये एलिमेंट्स इनर्ट पे रिफ्लेक्ट शो करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें जेनॉन सेम पैटर्न पे इसमें कुछ अलग से 4F14 5D10 6H2 6P3। इसमें सोच के बताना है कि ये जो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है वो कौन कौन सा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। नहीं अब यहाँ पे देखना है इसमें क्या होता है जब ये इनर्ट हो जाएगा 4s का 5s का और 6s का तो सिर्फ वही ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा और जब सबका 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा सबका +3 +3 +3। जब ये इनर्ट हो जाता है इनर्ट क्यों होता है तो उसका रीजन लोग लेक्चर में भी देख रहे थे और ये मैंने ऊपर बताया हुआ है कि उसका जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब कुछ एटम्स होते हैं जिसके साथ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है बॉन्डिंग के लिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाएगा उस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बाहर जा रहा है 3 + 2 5। उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +5 और बिस्मत भी क्या रहेगा तुम्हारा +5। यहाँ पे आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो क्या क्या शो कर रहा है +3 और +5 जो कि क्लियरली देख भी पा रहे हो। यहाँ पे +3 जब यही 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर जाए +5 कब जब ये 2 जो इनर्ट एज्यूम कर लेते हैं और जो एज्यूम क्या करना वो इनर्ट हो ही जाता है मोस्टली एटम के साथ कुछ ही एटम के साथ वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एग्जिस्ट कर पाएगा वो मेनली +3 में और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ पर। अब देखना कि जो +3 में होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा सेम जैसा कि लोग पिछले 2 एग्जाम्पल में कर रहे थे स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउनवर्ड और इसका जस्ट उल्टा इसमें क्या रहेगा स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगा क्योंकि एक में डाउनवर्ड अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरे में अपवर्ड तो डाउनवर्ड किस में इंक्रीज कर रहा है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये पॉइंट याद रखना इसमें। तो इसको कॉपी करो जल्दी से यहाँ पे एक मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है ये जे मेंस का इसमें बताना है कि SiX4 GX4 SnX4 और PbX4 इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। मैं बताता हूँ इसको सोचना कैसे था ये चारों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर मान लेते कि यहाँ पे क्या था सिलिकन भी था और सिलिकन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा हमेशा क्योंकि सिलिकॉन में यहाँ पे कोई इनर्ट का इफेक्ट नहीं रहेगा ये जब भी पार्टिसिपेट करते ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा सिलिकॉन का 4 प्लस 4
प्लस फोर, प्लस फोर, प्लस फोर, तो प्लस फोर वाले में इसको लिख लेते हैं यहाँ पे है। और जब प्लस फोर वाले में लिख रहे हैं तो एस आई प्लस फोर, जी प्लस फोर, एस एन प्लस फोर, पी बी प्लस फोर। तो स्टेबिलिटी इसमें क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है। इस चारों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, एस आई ओ फोर का सबसे ज्यादा, देन जी प्लस फोर, देन एस एन प्लस फोर, देन पी बी प्लस फोर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिकल केमिस्ट्री में, हेलोजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं हम लोग, चाहे फ्लोरिन हो, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन जो भी रहे, उसका इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस वन, नहीं माइनस वन। जैसे कि फ्लोरिन का ले तो फ्लोरिन का माइनस वन आता है, फ्लोरिन का ऑलवेज माइनस वन। क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन का भी जनरली हम लोग क्या यूज करता है, माइनस वन, कुछ मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तो एक्स का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस वन, देख लो बस एक मिनट इसमें यहाँ पे। तो अगर एक्स का माइनस वन ले रहे हैं तो पीबी पे कितना चार्ज आएगा ओवरऑल, एक एक्स का माइनस वन, तो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, तो पीबी पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस फोर। सिमिलरली एस एन पे क्या रहेगा, सेम करके सोचना था कि एक एक्स का माइनस वन तो फोर आ रहा है इसमें, माइनस वन इंटू फोर, इस पे क्या था, प्लस फोर, प्लस फोर और प्लस फोर। और हम लोग जानते हैं कि प्लस फोर में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, एस आई प्लस फोर, देन जी प्लस फोर, और सिलिकन प्लस फोर में सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग सोच पा रहे हैं, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल, और पी बी एक्स फोर सबसे लास्ट में, क्योंकि पी बी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होता है। पी बी किस में ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो कि लास्ट क्वेश्चन था, इसको कॉपी करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे इसको रिलेट करना था, कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना था, पी बी, एस एन, जी और एस आई का, सबका प्लस फोर आ रहा है, और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, अपवर्ड, इस तरीके से, दैट मीन सबसे ज्यादा एस आई का स्टेबिलिटी। उसी में अलग अलग ऑप्शन था, ये करेक्ट ऑर्डर क्या आया था, इस तरीके से सोचना था। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, बाकी हम इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसका मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि संडे को टेस्ट है, जब टेस्ट हो जाए, जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर हो, बस इसको एक बार रिवाइज करके क्लास में आ जाए, यहाँ पर इफेक्ट, क्योंकि इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर, यस सर। तो ठीक है, सब लोग कॉपी कर लेते, मैं सेशन फिर यहीं पे एंड करता हूँ। तो ठीक है, बाय सर, ओके बाय, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू।